ये जीटीए मुर्दाबाद के नारे कोई और नहीं बल्कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम के व्यापारी लगा रहे हैं। सीलिंग के विरोध में इंदिरापुरम के व्यापारियों का इंदिरापुरम के मंगल चौक पर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें करीब 1200 व्यापारी इकट्ठा होकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की और एक जुलूस भी निकाला गया जो काला पत्थर रोड से मंगल चौक पहुंचा। व्यापारियों का आंदोलन लगभग 3 घंटों तक जारी रहा। पुलिस प्रशासन और जीडीए के अधिकारियों को वहां पर आना पड़ा। काफी देर के जद्दोजहद के बाद 10 व्यापारियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल विचार विमर्श के लिए जीडीए वीसी कंचन वर्मा से मिलने गया। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से मोतीलाल बंसल, सोमदत्त त्यागी, ओम बीर यादव, हरमीत बख्शी, प्रदीप गुप्ता, सुभाष त्यागी और खिलेंद्र चौधरी शामिल थे। जीडीए वीसी कंचन वर्मा से बातचीत करने पर उन्होंने व्यापारियों की सारी बातें नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों से पॉल्यूशन हो रहा है उसे सील कर दिया जाएगा। वेल्डिंग वाले, पेंट वाले और फर्नीचर वाले या खाने पीने वाले जिस दुकान से भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको सील किया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल स्थानीय विधायक सुनील शर्मा से मिलने गया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि समस्या को त्रिपक्षीय वार्ता के द्वारा, जिसमें एक पक्ष व्यापारियों का, एक पक्ष जीडीए के अधिकारियों का और एक पक्ष फेडरेशन ऑफ एओए आलोक कुमार का, तीनों पक्षों को बैठाकर समस्या को सुलझाया जाएगा। तब तक सीलिंग की कार्यवाही को जीडीए वीसी से बात करके रुकवाया जाएगा। लेकिन व्यापारी जीडीए की कार्यवाही से अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए हैं। वीडी फिल्म्स की रिपोर्ट। हाय 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 हाय